हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइमन सेज। प्लीज हैव अ सीट एवरीबॉडी, सेटल डाउन। सब लोग कैसे? ठीक? मॉम डैड ठीक? ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। दिस इज नॉट गोइंग टू बी माय यूजुअल वीडियो, ओके? ऑल्दो आई डू नॉट नो व्हाट आर माय यूजुअल वीडियोस एनीमोर, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। दिस इज गोइंग टू बी अ श्रद्धांजलि वीडियो फॉर अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैनल, प्रोबेबली द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस चैनल, माय पिंक शेड्स एवरीबॉडी। एज यू कैन सी, माय पिंक शेड्स आर नो मोर। आई एक्सीडेंटली ब्रोक दीज शेड्स इन द शूटिंग ऑफ माई लास्ट वीडियो। मेरे लास्ट वीडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था और उस एक्शन सीक्वेंस को शूट करते करते ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। दीज पिंक शेड्स वर अ बिग पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी फॉर ऑलमोस्ट 3 years, एंड नाउ दैट दे आर गॉन, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। बट वॉट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज शेड्स यार। मैंने ये 80 rupees के लिए किसी स्टॉल से लिया था, तो ये कभी ना कभी तो होना ही था। आई वेंट टू कोलाबा कॉजवे इन मुंबई, जहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे ऐसे बहुत सारे शेड्स मिलते हैं। आई ट्राइड सर्चिंग दिस फ्रेम, लेकिन मुझे नहीं मिला यार। मैं इसका एक टेम्पररी जुगाड़ कर सकता हूँ, मैं इसको फेविस्टिक से ऐसा चिपका सकता हूँ, लेकिन दैट विल जस्ट लास्ट फॉर फ्यू डेज। द ओनली टाइम आई फाउंड अ सिमिलर कॉपी ऑफ दिस फ्रेम वॉज इन UK, जब मैं PewDiePie के साथ कोलैब करने गया था। तो ऑन द वे मुझे एक शॉप में ऐसा एक सिमिलर पिंक चश्मा मिला था। मैंने PewDiePie को वो चश्मा सिर्फ वीडियो के लिए पहनाया था, लेकिन उसने वो चश्मा रख लिया। तो अभी क्या ऐसा वापस पूछ नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता है ना। दिस वॉज अ मास्क विच आई वॉज यूज टू वेयरिंग सिंस द पास्ट 2 years, मोर देन 2 years, एंड नाउ दैट इज गॉन, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। विल सोसाइटी एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम? आई डोंट नो व्हाट कॉन्टेंट टू मेक एनी मोर। यार आई हेट दैट वर्ड कॉन्टेंट। मैं कॉन्टेंट वगैरह नहीं बनाता, ओके? मैं वीडियोज बनाता हूँ। सो नाउ आई हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस, आई डोंट नो व्हाट टू डू गाइस, प्लीज प्लीज गिव मी सजेशंस, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट। एक मिनट, तुम लोग ने तो ऑलरेडी तुम्हारे सजेशंस मुझे दे दिए हैं। मेरे इंस्टाग्राम DMs तो भर गए हैं, एवरीबॉडी इज आस्किंग मी टू रिएक्ट टू अमित भड़ाना'स न्यू सॉन्ग। ओके गाइस, हियर इट इज, माय ऑनेस्ट रिएक्शन टू अमित भड़ाना'स न्यू सॉन्ग इज दैट आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। मतलब आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू कंप्लेन अबाउट इन इट यार। हाँ, लिरिक्स में हम्बल ब्रैगिंग है, लेकिन आई रियलाइज्ड कि मोस्ट ऑफ द रैप सॉन्ग्स हैव हम्बल ब्रैगिंग इन इट, सो कैन नॉट जस्ट ब्लेम अमित भड़ाना ओवर हियर, राइट? नाउ दैट इज माय ऑनेस्ट रिएक्शन टू अमित भड़ाना'स न्यू सॉन्ग, बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट इफ आई डोंट मेक फन ऑफ अमित भड़ाना'स न्यू सॉन्ग, पीपल विल से कि साइमन में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, साइमन अब पहले जैसे वीडियोस नहीं बनाता। तो मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ पेसिमिस्टिक लोगों को एंटरटेन करने के लिए जबरदस्ती नेगेटिव रिएक्शन दूं क्या? मेबी आई शुड डू दैट। Now that I'm not wearing this mask anymore, I'm not governed by a set of rules. I can do whatever I want. Okay, done. Aaj se every week I'll try to pretend to have a problem with something, taki main every week kuch content nikal saku. And also I'll try to find a new target every week to call them cringe, to call them unfunny. Maybe waisa content bana sakta hu yaar, kyun nahi? Content creators, for lack of a better term, are human beings. As time passes, human beings change. And an individual content creator's content is heavily linked
to his personality, to his individuality, right? So as time passes, indirectly, content creator का content भी change होता है. किसी भी YouTuber को पकड़ लो, 2-3 साल में उनका content change होता ही है. लेकिन नहीं. Indian audience को ये कौन समझाएगा? Have you ever wondered why Bhuvan Bam did not make more episodes of T2 Talks? Now I don't know the reason, but I think that one of the reasons might be Indian audience. Because Indian audiences are like Indian parents. पेरेंट्स कैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि तुम डॉक्टर इंजीनियर बनो, तो वैसे ही इंडियन ऑडियंस क्रिएटर्स को बोलती है कि तुम पहले जैसा कंटेंट बनाओ ना, ये सब ट्राई करने की क्या जरूरत है. इफ यू नोटिस, अमित भड़ाना का कंटेंट पिछले कुछ साल में थोड़ा सा चेंज हुआ है. ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव, ही इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. एंड इन हिज न्यू सॉन्ग अमित भड़ाना सेज कि ही कैन ऑल्सो डू द सेम कंटेंट ही वाज डूइंग 3-4 इयर्स अगो, उसको भी इजिली 50 मिलियन व्यूज आ जाते. बट ही डज नॉट डू दैट, ही ट्राइज समथिंग डिफरेंट इवन दो ही गेट्स लेस व्यूज. एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम. यू पीपल वॉन्ट मी टू मेक फन ऑफ प्राजक्ता कोहली, राइट? यू वॉन्ट मी टू रोस्ट मोस्टली सेन. मैंने मोस्टली सेन का उस दिन चैनल खोला और मैंने नोटिस किया कि उसको अपने स्केच वीडियोस के अलावा बाकी टाइप के वीडियोस पर कुछ व्यूज ही नहीं आते यार. अभी वो वीडियोस अच्छे है या नहीं अच्छे है वो बात अलग है, बट इट इज गुड टू सी अ मेनस्ट्रीम यूट्यूबर डू दीस काइंड्स ऑफ कैजुअल वीडियोस जिसमें उसको पता है कि उसको व्यूज नहीं आएंगे, बट शी स्टिल डज देम. शी मेक्स दोस वीडियोस व्हिच शी वांट्स एंड आई रिस्पेक्ट दैट. लेकिन नहीं, यू डोंट वांट मी टू डू दैट, यू वांट मी टू मेक फन ऑफ समबडी बिकॉज़ यू योरसेल्फ्स आर अनहैप्पी विद योर ओन लाइव्स. आर्ट इज एन एक्सप्रेशन, मेकिंग वीडियोस इज एन एक्सप्रेशन, बट इफ यू केयर मोर अबाउट नंबर्स, इफ यू केयर मोर अबाउट सैटिस्फाइंग पीपल, देन दैट इज कंटेंट क्रिएशन. And don't get me wrong, there is nothing wrong with content creation. उल्टा मैं भी अभी content creation पे ज़्यादा focus करने वाला हूँ शायद, क्योंकि मुझे भी चाहिए यार views and subscribers. मैंने realize किया कि creative satisfaction से abdominal satisfaction तो नहीं होता ना. ठीक है, मैं भी कुछ ना कुछ ढूंढूंगा every week criticize करने के लिए. I will become a glorified Rajiv Masand of YouTube. आजकल वो यशराज मुखाटे बहुत trend हो रहा है ना. यशराज मुखाटे more like यशराज घुघाटे. ये चैनल एक रोस्टिंग चैनल नहीं है, ये चैनल एक रिएक्शन चैनल नहीं है, ये चैनल एक व्लॉग चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है. इफ क्रिएटर्स हैव अ रिस्पांसिबिलिटी, इवन ऑडियंसेस शुड हैव अ रिस्पांसिबिलिटी. वी लिव इन अ सोसाइटी वेयर पीपल से दैट दे वांट चेंज, बट व्हेन यू गिव देम चेंज दे स्पिट इन योर फेस. इजंट दैट राइट? साइन मैन. ऑलराइट गाइस, दिस इज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कम ऑन गाइस, चीयर अप, यू नो आई लव यू. Everybody loves Sai. Sai loves everybody. Oh, and I forgot. This was supposed to be a Shraddhanjali video for my pinkies. क्या कर सकते हैं यार. I wish Simon Says का गुलाबी चश्मा lasted as long as Tarak Mehta का उल्टा चश्मा. But at least this knows when to quit. So, thank you, Pinky. Thank you so much. Thank you for everything. Good night. Bye. Shabba khair, kailash khair. Wish you a happy marriage.